8 जुलाई को भोपाल जाएंगे इंडिया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। बीजेपी ने विधायक दल की बुलाई बैठक, सीएम आवास पर होगी बैठक। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग हुआ सख्त। मुजफ्फरनगर की किंग लेमन सोडा कंपनी पर मारा छापा, बिना लाइसेंस के चल रही थी कंपनी। टीआरएन कंपनी के मजदूरों ने की हड़ताल। मजदूरों ने कंपनी पर 6 महीने से वेतन न देने का लगाया आरोप, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल में तनाव जारी। बशीरहाट में पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग। उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया लाठी चार्ज। और सरकारी गौशाला ही बनी गायों के लिए मौत का कुआं। गौशाला में बदतर हुई गायों की स्थिति। बीते 6 महीनों में 150 से गाय बछड़ों की हुई मौत। नमस्कार, नेशनल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशीष। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का 8 जुलाई को भोपाल दौरे पर है। इसके लिए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी सांसदों को अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने का निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए बीजेपी के साथ साथ प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक कोविंद दोपहर 12 बजे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो सीएम आवास जाएंगे, जहां वो बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एक भोपाल में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माननीय रामनाथ जी कोविंद भोपाल आ रहे हैं। स्टेट हैंगर पे उनके भव्य स्वागत के लिए संगठन महामंत्री जी और हम बैठकर सभी से चर्चा की। उसी दिन सभी विधायक और सांसद भी यहाँ पर आने वाले हैं। उनसे भी सभी अनिवार्य रूप से पहुँचे, इसलिए सबसे बातचीत की। मुख्यमंत्री निवास पर सारे विधायक दल के साथ, सांसदों के साथ माननीय रामनाथ जी बैठेंगे। उसके पश्चात कुछ लोगों से, प्रतिनिधियों से वो मिलेंगे। फिर 1 घंटा सुषमा स्वराज जी के यहाँ वो 1 घंटा वहाँ पर भी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सुस्त कर्मचारियों पर गाज गिराने के मूड में हैं। सीएम योगी ने इसके लिए सुस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को उम्र से पहले रिटायर करने का ऐलान किया है। सरकार ने 50 साल की उम्र में ही सुस्त अधिकारियों को रिटायरमेंट देने का फैसला किया है। अधिकारियों के रिटायरमेंट को लेकर योगी सरकार भी केंद्र सरकार की राह पर है। आपको बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काम में सुस्त हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने बाकायदा शासनादेश भी जारी कर दिया है। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा। 3 महीने को नोटिस पीरियड होगा। इसके बाद ऐसे अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव की हर रोज एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। लालू यादव अब साल 2006 में रेलवे का होटल निजी कंपनी को देने के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और समेत कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुरुग्राम समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। लालू पर आरोप है कि रेल मंत्री रहने के दौरान उन्होंने रांची और पुरी समेत अन्य रेलवे होटलों के विकास और मरम्मत का ठेका निजी कंपनियों को दिया था। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा। हर दिन गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ के तितरडी इलाके में नगर निगम की गौशाला में पिछले 6 महीनों में 150 गायों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि तितरडी में लावारिश गायों के पालने के लिए नगर निगम ने गौशाला बनाई थी। करोड़ों की लागत से बने इस क्राइन हाउस में बड़ी संख्या में गायों का पालन चल रहा था, मगर पिछले कुछ महीनों में यहाँ की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गौशाला में देखभाल का अभाव और गायों को
चारा देने के लापरवाही के चलते वो मौत का शिकार हो रही हैं। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में 150 से ज्यादा गाय और बछड़े दम तोड़ चुके हैं। जमीन गिफ्ट के मामले को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के बीच जंग जारी है। लालू यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी तो सुशील मोदी ने जवाब में कह डाला कि जिसका मान सम्मान होगा वही मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता है। दरअसल मामला बीजेपी सांसद रमा देवी से लालू के बड़े तेज प्रताप यादव को दान में जमीन मिलने का है। 1992 में लालू यादव के मंत्रिमंडल में ब्रज बिहारी प्रसाद शामिल थे। रमा देवी ब्रज बिहारी की पत्नी हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि जब तेज प्रताप 4 साल के थे तब उन्हें 13 एकड़ 12 डिसमिल जमीन रमा देवी ने दान में दी थी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में गुरुवार को फिर से तनाव के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच उत्तर 24 परगना जिले के हिंसा प्रभावित बदुरिया इलाके में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिले के बदुरिया में सांप्रदायिक झड़पों के बाद बशीरहाट कस्बे और स्टेशन क्षेत्र में फिर से तनाव कायम हो गया है। उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस और बीएसएफ की टीमें इलाके की तरफ तुरंत रवाना की गई ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है कि क्या पुलिस कार्रवाई में कोई व्यक्ति हताहत भी हुआ है। सिक्किम की सरहद को लेकर भारत और चीन आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच इस बढ़ते तनाव का प्रभाव आर्थिक रिश्तों पर भी पड़ने की आशंका है। भारत के बड़े बाजार पर नजर लगाए बैठे चीन को अब व्यापार को लेकर चिंता सताने लगी है। इसकी झलक चीन सरकार द्वारा नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स और मीडिया के खबरों में भी नजर आई। भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को चेताया गया है कि सरहद पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होने की संभावना है। चीनी मीडिया के अनुसार भारत के लोग अपने देश की संप्रभुता को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में चीनी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भिवाड़ी के बालाजी नगर में साई लीला अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पहली मंजिल के घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन समय रहते लोग घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वहीं ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फर्स्ट फ्लोर साई लीला अपार्टमेंट 4th नंबर की रूम है, जिसमें श्याम किशोर रामप्रीत राय ये रहते हैं अपनी बीवी और 3 बच्चे के साथ। इनके रूम में आग लगी थी ऐसा मैसेज था, लेकिन जब यहाँ आए तो हम देखा कि वहाँ सिलेंडर की आग लगी थी। सिलेंडर का गैस लीकेज हुआ था और उससे गैस लीकेज होने के बाद आग लगी और घर का सामान जल गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भेगारी TRN कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मजदूरों ने पिछले 6 महीनों से वेतन न दिए जाने को लेकर कंपनी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि कंपनी ने विगत 6 महीनों से मजदूरों के वेतन पर रोक लगा रखी है। कंपनी द्वारा तकरीबन 300 से अधिक मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। वहीं मजदूरों ने कंपनी के ऑफिस पर जाकर अपना कब्जा करते हुए 24 घंटे में वेतन देने का अल्टीमेटम दिया है। BGR को अल्टीमेटम दिया गया है, घेराबंदी किया गया है कि हमारी जो भी वेतन है वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या जिस माध्यम से भी उचित उन्हें समय पर दिया जाए, अन्यथा अगर एक कल तक नहीं मिलता है तो कल तालाबंदी किया जाएगा। क्योंकि आज सिर्फ अल्टीमेटम घेराबंदी किया गया है, सूचित किया गया है, सिर्फ सूचित किया गया है कि हमारी दुख को तकलीफ को समझें, लेकिन यहाँ समझने वाला TRN से भी। यूपी के मुजफ्फरनगर में मौसम विभाग द्वारा 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ चौकियों राहत शिविर बनाने के साथ PAC NDRF की टीम को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के लगभग 90 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और जिला प्रशासन ने इन गाँवों में 10 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की हैं। वैसे तो यहाँ प्रक्षेत्र अधीक्षक सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक के पद पर काम है मेरा मूल पद तो, लेकिन मैं इस मौसम विभाग को भी देख रहा हूँ, इसमें मौसम वैज्ञानिक
पाल सिंह, अभी लखनऊ से सूचना जारी हुई है मौसम द्वारा कि 48 घंटों में मुजफ्फरनगर समेत कई जनपद हैं जहां भारी से बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो उसमें ऐसा है, पहली बात तो यह है कि अब बारिश का तो मौसम चल ही रहा है और बारिश इधर उधर हो भी रही है, क्योंकि जब टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम नज़दीक आने लगते हैं और ह्यूमिडिटी 85 और 90 के आसपास तो आसपास जब चली जाती है तो बारिश होने की पूरी संभावना बनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि ह्यूमिडिटी इतनी ही बनी रही और टेम्परेचर दोनों मिनिमम और मैक्सिमम और नज़दीक आ गए तो बारिश होने की संभावना है। तो बारिश से फसलों को कितना नुकसान होगा? भारी बारिश से जो फसलें हैं उन्हें कितना नुकसान होगा? भारी बारिश देखो, कोई भी फसल हो या कोई भी चीज़ हो, पानी की हर एक को आवश्यकता होती है, लेकिन एक लिमिट में आवश्यकता होती है। हल्के पानी की आवश्यकता होती है, जब भारी बारिश होगी उसके साथ अगर हवा आ गई तो गन्ना, हमारा जो ऑटम प्लांट शरदकालीन गन्ना खड़ा है वो काफ़ी बड़ा लोगों का, वो गिर सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, और भी हमारे जो भी फसल हैं उनको भारी बारिश से नुकसान हो सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल यहाँ हुई बारिश से पानी की टंकी धराशायी हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस चंद मिनटों में ही एक पानी की टंकी जमीन पर गिरकर धराशायी हो जाती है। यूपी में खाद्य सामग्री में मिलावट की एक आम बात हो गई है। आटा, चावल हो या दूध, मिलावट की खबरें सूबे के सभी जिलों से आती रहती हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में मिलावटखोरों पर नकेल कसने को लेकर खाद्य विभाग सख्त नजर आया। खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अमित बिहार में कोल्ड ड्रिंक कंपनी में छापा मारा। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से इलाके के मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। देखें इस रिपोर्ट में। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाई तो मिलावटखोरों के पसीने छूट गए। खाद्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अमित बिहार स्थित में किंग लेमन सोडा बनाने वाली कंपनी में छापा मारा। किंग लेमन सोडा कंपनी पर मारे गए छापे से इलाके के बाकी मिलावटखोर सख्ते में आ गए। प्रशासन की सख्ती से डर कर इलाके की ज्यादातर कंपनी में ताले लटक गए। वहीं छापे के दौरान टीम को किंग लेमन सोडा कंपनी में कई कमियां भी मिली। टीम ने कंपनी से लेमन और सोडे के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने की बात सामने आई है। इस मामले में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। घटिया कोल्ड ड्रिंक की शिकायत मिली थी हमें बनाने की, तो हम यहाँ पर आए तो ये बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चला रहे थे, और यहाँ से हमने लेमन सोडा, ऑरेंज फ्लेवर और लेमन फ्लेवर में जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जा रही थी उनके सैंपल लिए हैं, और अभी आगे के लिए हमने इसको बिना लाइसेंस के उसमें नोटिस दे दिया है कि ये अब आगे काम बंद कर दें। किंग लेमन सोडा कंपनी पर भले ही खाद्य विभाग द्वारा छापा मारा गया हो, लेकिन जिले में इस तरह की कई दर्जन फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। इन कंपनियों में बिना लाइसेंस के पेय पदार्थ बनाए जा रहे हैं और ब्रांडेड कंपनियों के होलोग्राम लगाकर मार्केट में सप्लाई किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। यूपी के संबल जिले के धनारी थाना के मानिकपुर गांव में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार वो अपने खेत पर चारा काटने गई थी, वही गांव के एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। हालांकि पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वही इस मामले में पुलिस ने शिकायत लिखने से इनकार कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पता कराया गया है, धनारी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है 354 का। एक युवती के साथ में जो है छेड़खानी का मामला है। थाने में पहले भी उनके खिलाफ, मतलब उन्होंने पहले भी किसी के खिलाफ जो है इसी तरह का एक मुकदमा दर्ज कराया है। जांच चल रही है, देखिए, और जो लड़के के खिलाफ उन्होंने जिसके भी खिलाफ दिया है उसको अरेस्ट करिए। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के कलवारी कला दादर गाँव में इस वक्त हड़कंप मच गया जब कुएं में जहरीली गैस के कारण चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुएं को साफ करने के लिए उतरा एक युवक वापस नहीं आया, जिसके बाद उसे निकालने के लिए दूसरा युवक
गया। इसी प्रकार चारों लोग जहरीले कुएं में चले गए, इससे उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि कुएं में कुछ पंछी कबूतर मरे थे, उसी को निकालते समय जहरीली गैस के चपेट में आने से यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसमें कुछ पक्षियाँ थे, इसलिए निकालने वास्ते गए थे कि पानी साफ हो जाए, लेकिन उसमें हुए तो निकले नहीं, गैसी तो उसके बाद उनका लड़का गया बचाने के वास्ते कि निकाले, पापा कैसे गिर गए, वो भी उसी में गिर गए, इसी के साथ साथ और गए उनके बचाने वास्ते। क्या सर, बारिश होने के बाद रात में बारिश हुई है, सुबह ऐसी घटना हुई है, तो बारिश की वजह बताया गया है। आज दोपहर को 3 बजे के आसपास पानी कुएं में पानी बढ़ गया था, उसको सफाई करने के लिए भोला के परिवार के भोला स्वयं जो है कुएं में उतरे थे। उतरने के बाद जब कुछ देर तक ये नहीं आए तो इनके लड़के राहुल भी रस्सी के सहारे से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद ये भी नीचे ही छूट गए, ये भी नहीं आए। तो जब लोगों को शक हुआ क्या हो रहा है, अंदर कोई समस्या है, गैस वैस की रिसाव की समस्या है, तो इनके भतीजे अशोक वो भी नीचे रस्सी के सहारे गए, लेकिन वो भी नहीं आए। इसके बाद जब शोरगुल हुआ तो नियाज, इसी गाँव के एक नियाज है, वो भी अंदर जाकर के देखने का प्रयास किया, वो भी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बहुचर्चित संजय मित्तल अपहरण कांड में शामिल बदमाश आखिर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीती रात को ख्यात अपराधी जयप्रकाश दीक्षित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने रिवॉल्वर समेत 2 असलाह और करीब 2 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त बुलेरो कार भी बदमाश से पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त जेपी कुख्यात बिक्की बॉक्सर गैंग का सक्रिय अपराधी है और इस पर 15,000 का इनाम भी है। वहीं फिरोजाबाद SSP अजय कुमार पांडे ने गिरफ्तार करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम देने की घोषणा की है। मुजफ्फरनगर में एक भाई ने इज्जत की खातिर अपनी बहन की चाकू से गूंथ कर हत्या कर दी और खून से लथपथ चाकू लेकर थाने पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कोतवाली नई मंडी क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी का है, जहां एक भाई ने अपनी बहन को चाकुओं से गूंथ कर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि भाई को अपनी बहन के चाल चलन पर शक था। आरोपी भाई का कहना है कि उसने अपनी बहन का 6 जगह रिश्ता किया, लेकिन बहन के गलत स्वभाव के चलते उसकी बहन ने अपने सभी 6 शौहर को छोड़कर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। बहन के गलत स्वभाव के चलते आरोपी भाई के अन्य भाई बहन की शादियों की रुकावट होने पर आरोपी भाई ने बहन को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। साजिश के चलते आरोपी भाई कमिल अपनी बहन संजीता के घर पहुंचा और बेड पर बैठी अपनी बहन संजीता पर धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। कुछ देर बाद ही संजीता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कामिल, तुमने अपनी बहन की हत्या क्यों की? उसकी 6-6 शादी कर रखी थी और 6-6 शादी करने के बाद वो धंधा करती थी। तो क्या नाम था तुम्हारी बहन का? संजीता। तो आज क्या हुआ, झगड़ा हुआ था तुम्हारा उससे? कोई झगड़ा नहीं। पहली शादी कब हुई थी उसकी? लगभग हो गया 10-15-20 साल। क्या वजह थी, क्यों नहीं वो अपने पति के साथ रहती थी? शौक पड़ा हुआ था धंधा करने का। तो क्या 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 तुमने आज मर्डर कराया? बाद में हत्यारा भाई खून से लथपथ चाकू लेकर नई मंडी कोतवाली पहुंच गया और पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे भाई को हिरासत में ले लिया है और मृतक संजीदा के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, ये 9 बजे के आसपास की सुभाष नगर नई मंडी थाना क्षेत्र की घटना है। उसमें एक भाई ने अपनी बहन को चाकू घोंप कर मार डाला है। आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुका है। उसका कहना है कि उसके चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने भले ही गिरफ्तार कर लिया,
लेकिन इस गुनाह के लिए उसको क्या सजा मिलेगी अब यह अदालत ही तय करेगी। वहीं धर्मनगरी में आज महिला पुलिस ने एक बार फिर से ऑपरेशन दुर्गा को बढ़ावा देते हुए मंचलों पर नकेल कसी। नगर के विभिन्न चौराहों पर महिला थाना प्रभारी प्रवीण कुमारी दलबल सहित पहुंची और हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों, मुंह पर नकाब पहनने वाली छात्राओं और पटाखा मार बुलेट चालकों व प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर निगाह रखते हुए उनके चालान काटे। महिला प्रभारी प्रवीण कुमारी ने कहा कि आला अधिकारियों के आदेशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे स्कूली छात्राओं पर सड़क छाप, मजनुओं पर अंकुश लगता है। इसमें ये हमारा सीनियर ऑफिसर के हिसाब से ना दुर्गा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके अंदर का जो भी लड़के बुलेट वगैरह पे चलते हैं, पटाखे मारते हैं, उनकी बुलेट को इम्पाउंड किया जा रहा है और उनके चलान किए जा रहे हैं। और जो लड़कियां मुंह पे नकाब बांध के चलती हैं, उनके मुंह से कपड़ा हटवाया जा रहा है। उनके इस चीज़ की हिदायत की जा रही है कि वह आइंदा ऐसे ना चलें। और उसके बाद जो मंचरे लड़के इधर उधर घूमते हैं, उनको रोक के समझाया गया और इसके रिगार्डिंग काफ़ी चलान भी किए गए हैं। प्रेशर होने के ऊपर भी जाते, हाँ जी, प्रेशर होने, जैसे प्रेशर होने पर आके मार्केट के अंदर या किसी ऐसे पब्लिक प्रेशर होने, उनके लिए भी अलग से चलान काटे गए हैं और इसके दौरान काफ़ी चलान किए गए हैं लोगों को। यूपी के हरदोई जिले में एक प्रसूता को लेकर अस्पताल आ रही एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी। हादसे में घर बंधी हुई गाय की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार लोगों को कोई चोट नहीं आई है। वहीं प्रसूता को दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद के कर्मचारी की दबंगई सामने आई है। आरोपी कर्मचारी ने दो महिला कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित सर्वजीत कौर और पीड़ा रानी ने बताया कि आरोपी सुनील धमीजा की ड्यूटी जिस कमरे में थी, उसने उस कमरे से बदबू आने की बात कहकर ड्यूटी करने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बी एन भारती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दिए जाने की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। कमरा नंबर 15 में पहले ड्यूटी थी उसकी, लेकिन वहाँ पर कोई फाइल ढूंढने के लिए करता था ना, तो पब्लिक का नुमाइंदा आया, उसने कहा मेरी फाइल ढूंढ के दो, तो उससे पैसे मांगता था, इसलिए इसकी बदली कर दी थी वहाँ से। अब इसने सरजीत कौर ड्राफ्टमैन है, एक विना रानी स्टैंडर्ड टाइपिस्ट है, उन दोनों को गया है, अगर आप लोगों ने मेरी शिकायत करके मेरी बदली करवाई आते जान से मार दूंगा। बिहार के पूर्णिया में दो सालों से लंबित MSTP योजना को कामयाब बनाने के लिए भूमि की तलाश की जा रही थी, जो अब खत्म हो गई है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाने के लिए वर्षों के बाद वार्ड नंबर 31, 38 और वार्ड 42 में संयुक्ता और में स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। भूमि उपलब्ध होने के बाद पूर्णिया से JDU सांसद संतोष कुशवाहा, BJP सदर विधायक विजय खेमका और निगम महापौर विभा कुमारी ने स्वास्थ्य भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस योजना को लेकर शहरवासियों ने मेयर की सराहना की है। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। 7 जुलाई 1981 में जन्मे धोनी आज 36 साल के हो गए हैं। धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे कप्तान रहे जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने ICC के 3 बड़े टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। आपको बता दें कि धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने ICC के 3 बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। टीम इंडिया ने साल 2007 में ICC का वर्ल्ड कप T20, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीत दर्ज की है। धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर के तौर पर भी जाना जाता है। कई बार उन्होंने अपने दम पर मैच जिताए हैं। धोनी के नाम 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। साथ ही बतौर कप्तान धोनी ने T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। भारत ने वनडे सीरीज के आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा, वहीं दिनेश कार्तिक ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 205 रन बनाए। भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने कैरिबियाई बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। SD होप और काइल होप के अलावा
कोई भी बल्लेबाज अच्छा स्कोर नहीं कर सका। एसडी होप की 51 रनों की पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने भारत को 206 रनों का लक्ष्य दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।